दोस्तों, आज हमारे पास चूहा सिटी आई हुई है, उसका अगला हिस्सा सस्पेंशन हमने पूरा कंप्लीट जो है ना वो खोला हुआ है। अब उसमें एक मसला ये था, जो उसकी स्टीयरिंग की मोटर थी ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, बिल्कुल वो जो है ना काम नहीं कर रही थी। उसके चक्कर में हमें जो है पूरा फिर सिस्टम उतारना पड़ता है, धड़ी वगैरह पूरा सिस्टम उतारना पड़ता है, या कैंचियाँ स्टीयरिंग बक्सा बॉडी वगैरह लगा हुआ होता है, सारी चीज़ें जो है ना हमें वो डाउन करनी पड़ती है। डाउन करने का मकसद ये, वहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें हमें जो क्लियर करनी पड़ती हैं। क्लियर करने का मतलब ये है, तो सारी चीज़ें हमें नज़र आएंगी। अब मैं आपको बोलूँगा, चीज़ें दिखाता हूँ इसमें क्या क्या काम है। ये देखें, बिल्कुल जो है ना ये स्टेयरिंग बक्सा है इसका, ठीक है। अब इसकी ना ये वाली मोटर जो है ना ख़राब हो गई है, अब ये हम चेंज करेंगे, साथ साथ इसको रिपेयर वगैरह कराएंगे। रिपेयर कराने के बाद जो है इसका स्टेयरिंग के बूट वगैरह चेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है ना ये ओके हो जाएंगी। अब देखो, ये मोटर जो है ना, अब इसकी मोटर ही ख़राब है, स्टेयरिंग बक्सा तो बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। अब मोटर इसकी जो है ना हम चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब ये, क्योंकि ये मोटर जब चेंज हो जाएगी तो काम हमारा रेडी हो जाएगा। अब उसकी वजह ये देखें, ये कैंची है, इसकी बोल्ट है, ये कैंचियाँ बिल्कुल जो है ये देखें, ये कटिंग हुई है यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये जो है जब खड्डे में जाती है तो ये आवाज़ करती है, ठीक है। और साथ साथ ना इसके ये लैंकर हैं, लैंकर भी बिल्कुल जो है ना ये लूले लंगड़े हुए हमें, ठीक है। इसमें जान नहीं है, जैसे इंसान रिटायर हो जाता है तो इसमें भी यही सिस्टम है, तो ये भी ये इस टाइम पे रिटायर हो गया है, क्योंकि इसमें जान है नहीं। ये देखें बिल्कुल, ये भी कटा हुआ है यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें बिल्कुल पूरा कटा हुआ है। साथ साथ कैंचों के बुश भी हैं, वो हम इसमें जो है ना लोकल लगे हैं, हमें कोशिश करेंगे जापानी जो है ना कैंची या बोल्ट वगैरह हम दोनों चीज़ें हम लोग डालेंगे इंशाल्लाह। तो मकसद करेगा ये सारी चीज़ें हम चेंज करने का, ये गाड़ी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ये फंक्शन वगैरह भी चेंज हो जाएंगे, इसके बैंक साइड के कुछ भी चेंज हो जाएंगे। ये देखें बिल्कुल, आपको दिखाऊं मैं आगे, पूरा सिस्टम हमने इसका ना डाउन किया हुआ है। ये देखें बिल्कुल, पूरा नीचे से सारी चीज़ें हमने जो निकाल के रखी हुई हैं, पूरा जम वगैरह जो है ना अपना गाड़ी वाड़ी सब चीज़ हमने कम्प्लीट की। फिलहाल नादिर भाई के साथ जुड़िए रहेगा, एंड तक हमारी वीडियो देखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, बेल घंटी से पहले सब्सक्राइब करें, आने वाली अपडेट आप लोगों के पास पहुँचती रहे, ठीक है। मकसद ये काम ऐसा हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो जाहिर बात है अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए। फिलहाल नादिर भाई के साथ जुड़िए रहेगा, हमारी वीडियो एंड कर देंगे। तो अब ये सामान हमारा कम्प्लीट हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको जो है ना बोल्ड कैंचे वगैरह लगाते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी सामान ये बुश वगैरह भी हमने चेंज कर दिया, सब चीज़ें कैंचों के भी, ठीक है। अब इसको जो है वहाँ से मसला करेगा, ये यहाँ आप जो ना कंप्लीट हो जाएंगे पूरे। और यहाँ जो है कॉमन है यार, ये चलो ये अब हम फिटिंग की तरफ जा रहे हैं, इसकी हम फिटिंग वगैरह करते हैं, कैंची वगैरह की, बाकी फिटिंग नट बोल्ट वगैरह ऊपर है, इंशाल्लाह इसको जो ना यहाँ भी कंप्लीट करेंगे, साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे वीडियो। फिलहाल अभी यहाँ फिटिंग होगी, फिर वहाँ जो ना कंप्लीट भी होगी फिटिंग, जाहिर बात है वो कुछ नट बोल्ट के वहाँ के फिटिंग चल रहेंगे गाड़ी में लगाने के लिए। अभी इस तरह बक्सा इसका अभी रेडी हो रहा है, स्टेयरिंग बक्सा भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये यहाँ पर अभी हम बोर्ड वगैरह टाइट करते थे इसके कैंचों के, साथ साथ आपको दिखाता हूँ। घंटे में गाड़ी ये हमारे रेचर्ड है, रेचर्ड से हम इसको प्रेस करेंगे, जहाँ जितना जोर लगेगा तो उतना। फिलहाल अभी यहाँ नॉर्मल प्रेस करेंगे, क्योंकि वहाँ हमें फिटिंग करनी होगी ना, तो उसके लिए हमें परेशानी ना हो। ये यहाँ पर हम रेचर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो है यहाँ नॉर्मल हमने इसको अभी टाइट किया था। चलिए ये अभी फिलहाल हम ये कैंचे में इसमें लगा दिए, अभी फिलहाल यहाँ पर गाड़ी जो है ना, फिलहाल जो है गाड़ी की फिटिंग कैंचे में, अभी स्टेयरिंग बक्सा आएगा, अभी स्टेयरिंग बक्सा लगाएंगे इसके ऊपर। स्टेयरिंग बक्सा लगाने पर बस जो है ना, फिर इसके जो है ये लैंकर है, लैंकर भी ख़त्म है, ये हम
नया इस्तेमाल करेंगे, इसमें लगाएंगे, चेंज करेंगे, न्यू नए वाले इसमें लगाएंगे लिंकन चला। नाजिक भाई के साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हमारी वीडियो एंड तक देखिएगा, मज़ा आएगा। दोस्तों इसकी आपको बताया था मोटर इसकी ख़राब है ना गाड़ी की, एक स्टीयर बॉक्स की। अब हम मोटर चेंज करेंगे, साथ में हम ये दूसरी यूज़ में काबली मोटर लेके आए हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह इसको जो हम अभी लगाएंगे मोटर को उसमें चेंज करेंगे इंशाल्लाह गाड़ी के साथ जो है ना, फिर ये काम अभी कंप्लीट करें, आपको अभी फिटिंग करके दिखाते हैं इंशाल्लाह। मैं उनको बोलूँगा आगे आपको फिटिंग के साथ दिखाता हूँ। अब यहाँ इसकी मोटर हम चेंज कर रहे हैं, देखो ये मोटर ख़राब हो गई थी, स्टेयरिंग वगैरह पूरा जाम पड़ा हुआ था। नहीं ये मोटर के दो बोल्ट खुल गए हैं इसके मोटर के, अब हम इसको मोटर खोलेंगे। ये मोटर आ गई, अब हम इसको चेंज करते हैं इंशाल्लाह, दूसरी लगाते हैं इसकी जो ये आगे मोटर यहाँ पर। तो ये ब्रेक लगाएंगे हम लोग यहाँ पर रैंक टूम पर, रिंग आसानी से बैठ जाए अंदर। हम मोटर की फिटिंग की तरफ चलते हैं। अब यहाँ जो है ना हमने मोटर दूसरी चेंज कर दी है, ठीक है, और यहाँ बोल्ट हम कंप्लीट लगाना है अभी दूसरे, ये मोटर यहाँ पर है। मोटर चेंज का मतलब ये है कि कोई इसकी मोटर ख़राब थी, तो हमने इसी चक्कर में फिर अब मोटर हमने चेंज कर दिया। इसमें जो है लाइट वगैरह आ रही थी, स्टीयरिंग भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, और हमने जो है यहाँ पर जो अभी फिलहाल अभी कंप्लीट हो गया, फिट अभी कंप्लीट कर देनी है, गार्डरेल वगैरह हमने नीचे पूरी कंप्लीट करनी है, और इसके ऊपर जो है ना अभी इंशाल्लाह ये अभी कंप्लीट यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है, और अभी हम इसमें गार्डरेल वगैरह पे फिट करेंगे, इसकी जो फिट की जगह होती है पूरा कंप्लीट करके फिर इंशाल्लाह गाड़ी की तरफ चढ़ाएंगे, चढ़ा के फिर फिट करके इंशाल्लाह फिर फैनल की तरफ चढ़ेंगे। दोस्तों अभी हम गार्डरेल के ऊपर इसको फिट कर रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है, तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये अभी फिटिंग की तरफ जाएगा इधर, और यहाँ पर जो है ना ये बुश है इसका यहाँ पर बैठेगा, और पट्टी भी है इसकी साथ साथ जो है, ये आपको दिखा देंगे। यहाँ पर ये बोल्ट प्रेस हो जाएंगे इसके, और एक पट्टी यहाँ आएगी इसकी यहाँ पर, और इसको यहाँ पर हम प्रेस करेंगे, प्रेस करके जो इंशाल्लाह फिर आपको कंप्लीट की तरफ लेके चलते हैं। देखो यहाँ कंप्लीट हो जाएगी इसकी पूरी फिट है, ये पूरा यहाँ सिस्टम कंप्लीट होगा, फिर गाड़ी भी आसानी में फिटिंग करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर बोल्ड हो गया कंप्लीट, अब दो बोल्ड यहाँ के रह गए, यहाँ स्टेयरिंग बक्सा टाइट हो जाएगा,
इंशाल्लाह फिर आगे फिटिंग करते हैं। हार्दिक भाई के साथ जुड़िए रहेगा, फिलहाल वीडियो हमारी एंड तक दिखाएगा। यहाँ पर जो है ना, आप कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है इसकी गाड़ी की। अब ये चुहा सिटी है, 2006 मॉडल है। अभी इसका पूरा सिस्टम जो है ना इसी के ऊपर होता है, अगले हिस्से का स्टेरिंग बक्सा, कैंचियाँ हो गई, स्टेरिंग बक्सा हो गया आपका, लैंकर वगैरह है वो भी हमने जो है नए लिए, आपको वो दिखाते हैं। लैंकर उठाई कर वहाँ से पीछे से, तो अभी ये सारा चीज़ कम्प्लीट हो गई है यहाँ पर, और यहाँ पर सारी चीज़ें कम्प्लीट हो गई हैं। तो अब हम गाड़ी की तरफ जब फिट करेंगे इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। लैंकर भी हम साथ नया लेके आ गए, क्योंकि ये तो पुराने वाले थे, साथ साथ इसका लैंकर भी हम जो है ना चेंज करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना फिर इतनी अपना नहीं लगाना, मकसद ये है कि पुरानी रिपेयर जो है चलती नहीं है। इंशाल्लाह अभी हम लैंकर भी इसके नए लगाएंगे, दोनों लैंकर नया ले लिए। अभी यहाँ पर फिलहाल कम्प्लीट हो गई है, हार्दिक भाई के साथ जुड़िए रहेगा, इंशाल्लाह गाड़ी के ऊपर मिलेंगे फाइनल होने के बाद। अल्लाह चले भैया, अब ये गाड़ी जा रही है अंदर इंजन की तरफ और बॉडी में जाके फिट होगी, और फिटिंग अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं इसको अभी। ये अभी फिट करेंगे इंशाल्लाह, फिट करके फिर आपको कंप्लीट करके गाड़ी उतार के दिखाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो है ना गाड़ी यहाँ पर अभी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। सुबह सिटी सारा काम आपको दिखा दिया, गाड़ी के अंदर हमने क्या क्या काम थे, और ये देखिए बिल्कुल पूरा कंप्लीट हमने इसको पैक कर दिया है, ठीक है। अभी टायर वगैरह लगाएंगे इसका, गाड़ी फिलहाल कंप्लीट हो गई यहाँ पर, और सारा काम जो भी था आपको वो सारी चीज़ें बता दी हैं। तो यहाँ पर देख लें, बिल्कुल गाड़ी पूरी कंप्लीट तैयार कर दी हमने। अभी इसका टायर वगैरह लगेगा, फिर इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा नाज़िर भाई के साथ। फिलहाल दोस्तों यहाँ हमने सिटी कंप्लीट कर ली है, सारे काम हमने स्टेरिंग बक्सा, कैंचियाँ, बुश वगैरह सारी चीज़ें जो हमने सब चीज़ें गाड़ी इस टाइम पे अलैमरा वगैरह सब चीज़ें कंप्लीट करके गाड़ी हमारी ओके हो गई है। हार्दिक भाई को जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।